Hello everyone and welcome to our channel Holistic Facts. Let's start with the Hindu newspaper analysis dated 21st of October 2019. So let's begin. Aaj ke hamare questions hai. Which of the following committees are headed by Prime Minister in India? A. Niti Ayog, B. CSIR, C. Indian Board of Wildlife, D. NTCA. Second question. Which of the following statements are true about Samjhauta Express? A. The Samjhauta Express is commonly called as the Friendship Express. B. It runs between Delhi and Attari in India and Lahore in Pakistan. C. It is a bi-weekly train. D. All of the above. Third question. Which of the following pair is incorrectly matched? A. Maldives Male, B. Mongolia Ulaanbatar, C. Australia Canberra, D. Argentina and Brazilia. Alright, so please do try and answer these questions in the comment box and comment section below. And iske answers hum description box mein provide karte hain. So you can cross check your answers. Alright, so let's begin. Aaj ke waise humare newspaper mein news kaafi kam hai. Humare exam ke point of view se. So hum dekh lete hain. Anthrax scare at Assam's Pobitora Sanctuary after death of two buffaloes. तो फिर anthrax क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले. Anthrax जो है it is a serious infectious disease caused by gram-positive rod-shaped bacteria called bacillus anthracis. ठीक है, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा कि rod-shaped bacteria known as bacillus anthracis जो कि anthrax को cause करता है, that is serious infectious disease. And although it is rare, people can get sick with anthrax if they come in contact with infected animals or contaminated animal products. अगर किसी animal को anthrax हो चुका है और animal products के contact में अगर कोई भी human आएगा, तो फिर chances होते हैं कि human को भी हो जाए. Alright, अब यहाँ पे mention किया गया था Asiatic water buffaloes का, जिन्हें actually ये disease हो चुका है और जिनके death हो चुकी है. तो फिर Asiatic water buffalo जो है those are native to Indian subcontinent and Southeast Asia. वो Indian subcontinent और Southeast Asia में ही मिलते हैं और endangered है वो. IUCN की जो red list है उसमें इसे endangered कहा गया है. और यहाँ पे फिर से one horn rhinos का भी mention किया है. तो फिर one horn rhinos जो है जो कि specially native है ये Indian subcontinent में और vulnerable है. ठीक है, और यहाँ पे आसाम की पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. डायरेक्टली क्वेश्चन आ ही जाता है तो हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन होता ही है तो हमें वो याद कर लेना चाहिए. अब यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, ये एक बस सेंटेंस था तो आप इसे ज़रूर याद रखिए कि फाउंडर ऑफ सिखिज़म इज़ गुरु नानक. ठीक है, और उन्होंने ही शुरू किया था लंगर, दैट इज़ कम्युनिटी किचन. और यहाँ पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फूड प्रोवाइड किया जाता है. फ्री वेजिटेरियन मील्स आर सर्व टू ऑल विजिटर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे NDCA. ऑलराइट, NDCA रेड फ्लैग्स MP गवर्नमेंट मूव. अब ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगेन NDCA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. NTCA इज़ नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी. अब नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में. ऑलराइट, विद 9 रिजर्व्स इन 1973-74. ठीक है, द प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट स्टार्टेड एज सेंट्रल स्कीम. अब ये पहले सेंट्रल की स्कीम थी पर फिर उसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया जिसमें सेंटर और स्टेट्स फंड्स को शेयर करते हैं. जो कि एक्सपेंडिचर होता है उसको इक्वली शेयर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें पूरी फंडिंग सेंटर से आती है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों स्कीम्स के बीच में, टाइप्स के बीच में. तो फिर आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा. द नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी वॉज लॉन्च इन 2005 फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स. अब टाइगर टास्क फोर्स को बिठाया गया था और उनकी रिकमेंडेशन को लेकर नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई इन 2005. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया इन 2006 अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इस जो टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी है इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2006 में. ऑलराइट, लॉन्च किया गया था 2005 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 2006 में. अब स्टैट्यूटरी स्टेटस के बारे में हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं. स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब वही होता है कि किसी एक्ट के अंदर जब कोई बॉडी बनती है, कोई कमिटी हो या फिर कुछ भी हो, पर जब वो किसी एक्ट के अंदर बनती है तो उसे स्टैट्यूटरी कहा जाता है. ऑलराइट,
और इसके जो चेयरमैन होता है दैट इज़ एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ठीक है, NTCA के जो चेयरमैन होते हैं वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। प्लस यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर, इंडिया में अभी जो टाइगर्स का नंबर है, जो अभी टाइगर सेंसस हुआ था उसके हिसाब से दैट इज़ 2,967। ऑल राइट, तो ये फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी। टाइगर सेंसस हुआ था अभी और उसमें पता चला है कि इंडिया में अभी 2,967 टाइगर्स हैं मौजूद, जिसमें से 526 टाइगर्स आर इन मध्य प्रदेश ओनली, ठीक है। अब मध्य प्रदेश एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे टाइगर कॉन्जर्वेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है और जहाँ पे टाइगर्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दैट इज़ 526। हमारी पूरी कंट्री में मध्य प्रदेश सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पे इतने सारे टाइगर्स को रखा गया है या फिर है वहाँ पे मौजूद, ठीक है। और यहाँ पे देर आर 6 टाइगर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसे नोट कर लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सातपुड़ा, संजय दुबरी एंड पेंच, ठीक है। तो फिर ये 6 टाइगर रिजर्व्स हैं मध्य प्रदेश, तो इसे याद रखना ज़रूरी है बहुत। ऑलराइट, तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में वैसे अभी इलेक्शंस हो रहे हैं आज महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो फिर वही न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, फिलहाल तो कोई न्यूज़ नहीं आई है। आज के एडिटोरियल्स अच्छे थे, आज के एडिटोरियल्स हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। और आगे एक ही न्यूज़ है, किसिया इंडिया मालदीव्स टू टेक डिफेंस टाइज फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस पहले से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं, पर बीच में जब लास्ट ईयर मालदीव्स में जब दूसरी गवर्नमेंट थी तो इंडिया के रिलेशंस थोड़े से बिगड़ गए थे मालदीव्स के साथ, क्योंकि इंडिया ने जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट था जो कि इंडिया ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स गिवन बाय इंडिया टू मालदीव्स, वो एक्चुअली उन्हें रिजेक्ट कर दिया था मालदीव्स ने, कि वापस कर दिया था, वो एक गिफ्ट था इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मालदीव्स को, और मालदीव्स ने उसे मना कर दिया था। प्लस इंडियन मिलिट्री को वीज़ाज नहीं प्रोवाइड किए गए थे वहाँ पे हेल्प करने के लिए जब क्राइसिस चल रहा था, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में। पर अगेन अब मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है, तो फिर अब हमारे मालदीव्स के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफेंस टाइज को इम्प्रूव करने की बात चल रही है, तो फिर बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को मालदीव्स को दिया जाएगा अंडर इंडियाज़ कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क, ठीक है। और मतलब इंडिया ने एक्चुअली, हुआ क्या था कि 26/11 के बाद मुंबई पे जो टेरर अटैक हुआ था 26/11 में, उसके बाद इंडिया बिगैन सेटिंग अप द कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क, कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क, ठीक है, हमारे इंडियन ओशन में कोस्टल रेडार चेन नेटवर्क बनाने का इंडिया ने शुरू कर दिया। तो फिर अब उसमें फिलहाल मॉरिशस, सीएचएल्स और श्रीलंका ऑलरेडी है, ठीक है। तो मतलब हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, या फिर हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स है वो वहाँ पे रहेंगे और वो जान सकते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह की मूवमेंट्स हो रही है, ऑलराइट, कि अगर अपने हमारे कंट्री को थ्रेट है कि नहीं है, किस तरह से क्या चल रहा है। मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर फिलहाल हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो उसके लिए ये सारे मेजर्स उठा दिए गए थे, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उन्हें दिए जाएंगे, उसे अभी फाइनलाइज किया जा रहा है और अब पता चलेगा कि कब हम उन्हें डिपोर्ट करेंगे या फिर कब हम उन्हें भेजेंगे, ऑल राइट, वहाँ पे, ठीक है। तो फिर इंडिया गिफ्टेड मालदीव्स 2 ALHS और वही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। और मालदीव्स के साथ वैसे हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि मालदीव्स में जो बीच में क्राइसिस चल रहा था उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो फिर हमारे रिलेशंस फिलहाल अच्छे ही हैं, ठीक है। वर्क ऑन द रेडार स्टेशंस टू प्लग मालदीव्स इनटू इंडियाज़ कोस्टल रडार चेन इज प्रोग्रेसिंग फास्ट, ठीक है। अब मालदीव्स को इंक्लूड करने के लिए इंडिया के जो कोशिश है वो चल रही है, तो फिर अब हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। फिलहाल कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर दिया है 100%, बस यहाँ पे बात की गई थी डिफेंस टाइज को इम्प्रूव करने की, ठीक है। अब ब्रेग्जिट के बारे में भी फिलहाल नहीं पता है कि डीले रिक्वेस्ट का अभी क्या हुआ है, ऑलराइट, तो फिर हम इस न्यूज़ को भी फॉलो करते रहेंगे। और आई गेस यहाँ पे न्यूज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अब हम एडिटोरियल्स पे आते हैं।
तो अभी हम एडिटोरियल्स की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला एडिटोरियल जो हम देखेंगे आफ्टर मामलापुरम द रियलिटी ऑफ एसिमेट्री। अब ये एसिमेट्री की जो बात की जा रही है, ऑथर ने इंडिया और चाइना के बीच में एसिमेट्री की बात की है, ठीक है। और इंडिया चाइना के जो भी समिट्स होती रही है, मीटिंग होती रही है, तो ऑथर का ये कहना है कि जो बायलैटरल मीटिंग्स होती है वो रेयरली बहुत इनक्रेडिबल कुछ आउटकम उनका निकलता है। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस कि जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तब वाजपेयी हु जिंताओ इनकी जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे बॉर्डर इशू के लिए मैकेनिज्म सेट किया गया था, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। अदर देन दैट उसी समिट में चाइना ने एक्नॉलेज किया था कि सिक्किम इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है। देन मनमोहन सिंह और जियाबाओ की समिट हुई थी 2005 में, जहाँ पे और भी सिग्निफिकेंट आउटकम्स आए थे। इंडिया और चाइना वेर एबल टू कंक्लूड पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड ग्लाइडिंग प्रिंसिपल टू सेटल दी बाउंड्री क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो प्रिंसिपल्स बोले गए तो दो मेन प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए गए थे। एक कि प्रोमिनेंट जियोग्राफिकल फीचर्स जो भी होंगे उनको बेसिस माना जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द बॉर्डर, तो इंडिया के लिए ये है हिमालयन वाटरशेड। और दूसरा था कि जो भी सेटल्ड पॉपुलेशन है डिस्प्यूटेड एरिया में उनको भी अकाउंट में लिया जाएगा, उनका भी ओपिनियन मैटर करेगा, ठीक है। तो ये हो गए बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए प्रिंसिपल्स। फिर जो रिलेशनशिप के गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किए गए थे वो चार की पॉइंट्स यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किए हैं। वन, इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू चाइना एंड चाइना इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। देन सेकेंड, देर इज इनफ रूम फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना टू बी रिसर्जेंट इन एशिया, ठीक है। दोनों ही इमर्ज हो सकते हैं एशिया में, इट्स नॉट लाइक कि चाइना इमर्ज हो रहा है तो देर इज नो स्पेस फॉर इंडिया, ठीक है। देन थ्री, इंडिया चाइना रिलेशंस हैव नाउ एक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल डायमेंशन एंड देयर कोऑपरेशन इज क्रिटिकल टू टैकलिंग अ होस्ट ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्योंकि दोनों ही इमर्जिंग और काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज है, दे होस्ट लार्ज पॉपुलेशंस, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रादर बनती है कि कॉपरेट करके ग्लोबल चैलेंजेस को हम टैकल करें। देन फोर्थ, इंडिया एंड चाइना शुड सीक एन अर्ली सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट जब तक सेटल नहीं हो जाते हैं बाकी के एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशंस जो भी होते हैं बायलैटरल रिलेशन के वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। देन वेन जियाबाओ, उन्होंने ये भी बोला था उस समय कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहा है उसको उनका कोई अपोज नहीं था, बट अभी हम जानते हैं कि कितना वेहमेंटली अपोजिशन चलता है चाइना की तरफ से। अब यहाँ पे ऑथर ने ये टू डिफरेंट सेटिंग में बात की है कि उस समय इंडिया और चाइना के बीच में जो अच्छे रिलेशंस हमें दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है, उस समय इंडिया चाइना का सेटिंग क्या था और अभी क्या है। तो उस समय कैसा था, एक तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे हो रहे थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ये भी था, यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर डील था, ठीक है। ये डील हुआ था 2005 में, ठीक है। तो जिस समय पे रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे थे चाइना के साथ भी। अदर देन दैट, इंडिया वॉज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, बहुत रैपिडली ग्रो कर ली थी, 8 to 9% पर एनम हमारा जीडीपी ग्रोथ जा रहा था। तो ये बोला जा रहा था कि चाइना को हम जल्द ही जो भी हमारे बीच में जीडीपी गैप है वो हम कम कर लेंगे या फिर खत्म कर लेंगे, एंड देयर इज अ चांस कि हम उनको सरपास भी कर लेंगे। तो उस समय ये एक फ्रेज भी प्रचलित हुआ था बहुत ज्यादा, जैसे चिंडिया बोला गया है, ठीक है। तो मतलब चाइना और इंडिया बिल्कुल ही सिमिलर इकोनॉमीज हैं और उनकी ग्रोथ भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये उस समय का सिनारियो था। बट अभी अगर हम देखें जो अभी सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई है मामलापुरम की, वहां पे अब इंडिया क्या है, 3 मिलियन सॉरी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडिया, और चाइना की कितनी है, 14 ट्रिलियन। तो ऐसे देखें तो गैप बहुत ज़्यादा है अभी हमारे बीच में, और अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन भी आ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है। और ये सब होते हुए अब चाइना को वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सेस है, तो चाइना इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट्स, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर डिजिटल प्लेयर्स है मोबाइल कंपनीज स्मार्टफोन्स में, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिजिटल स्पेस सोशल मीडिया इन सब में चाइना ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट को कवर कर लिया है, ठीक है। फिर भी इंडिया के पास एक लेवरेज है यहाँ पे कि जो 5G है, इंडिया में 5G अभी रिलीज करना है, लॉन्च करना है, तो यहाँ पे चाइना का जो हुएई है वो 5G में एक लीडर है, ग्लोबल लीडर है। तो इंडिया में भी हुएई को ही चांस देने की बात चल रही है, ठीक है। सो दिस इज दी वन इम्पॉर्टेंट लेवरेज दैट इंडिया हैज, और इसी को यूज करके अभी हम देख सकते हैं कि हमने परसुएट कर लिया है टू द चाइनीज प्रीमियर टू एड्रेस इंडियाज कंसर्न ओवर एक्सेस टू चाइनीज मार्केट एंड ऑन द यॉनिंग ट्रेड डेफिसिट।
अब ऐसे हो रहा है ना कि चाइना को बहुत ज्यादा मार्केट एक्सेस है इंडिया में, पर इंडिया को चाइना में वर्चुअली नो मार्केट एक्सेस है। ठीक है, ये इसलिए भी होता है क्योंकि चाइना जिस तरीके से बल्क प्रोडक्शन करता है हर एक चीज का, तो जिस तरीके से चीजें इंडिया में चीप मिलती है उसी तरीके से चाइना में भी चीप मिलती है, राइट? तो फिर इंडियन गुड्स अगर चाइनीज मार्केट में जाके थोड़े एक्सपेंसिव लगे तो वो क्या हो जाता है कि देर इज नो मार्केट एक्सेस, देर इज वर्चुअली नो मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो ये भी हमने बात करने के लिए उनको परस्यूएट कर लिया है, राइट? और अभी क्या देख सकते हैं हम कि ये जो समिट एंड चाइना स्ट्रैटेजी बोला गया है यहाँ पे, अब ऑथर ने बताया कि किस तरीके से एसिमेट्री है। ठीक है, सबसे पहले तो जो डिफरेंसेस आए हैं चाइना और इंडिया के बीच में, एक तो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है, भूटान को लेके हुआ था, विच वॉज डिफ्यूज बाय वुहान। और मामल्लापुरम में हमने क्या डिफ्यूज किया, डिफरेंसेस ओवर जम्मू एंड कश्मीर, ओवर द इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन अरुणाचल प्रदेश वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग डिस्प्यूट्स। तो ये दोनों चीजें, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट्स दिए हैं चाइना ने, ठीक है, जो हमने 370 को इनऑपरेटिव किया, या फिर पाकिस्तान का जो भी रोल रहता है हमेशा चाइना के जो स्टेटमेंट्स आते हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उससे हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर अरुणाचल प्रदेश में हम कुछ चीज़ करते हैं, जब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे पीएम अगर विजिट करने के लिए भी जाते हैं तो भी चाइना को प्रॉब्लम होती है, सेइंग कि अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, बट हमने इनको बीच में नहीं आने दिया और इस समिट को सक्सेसफुली कंक्लूड भी किया है, तो डिफरेंसेस को डिस्प्यूट नहीं बनने दिया। एंड चाइना स्ट्रेटेजी क्या रहती है हमेशा इंडिया की तरफ, इट इज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि इंडिया कोई भी ऐसी पॉलिसीज अगर परस्यू कर रही है विच आर इनिमिकल टू चाइनीज इंटरेस्ट, तो उनको न्यूट्रलाइज कर देना है, ठीक है, ताकि चाइना के इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहे। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, जब चाइना किसी तरीके से ऐसे स्टेप्स लेता है जो इंडिया के पॉलिसी मतलब इंडिया के इंटरेस्ट के लिए इनिमिकल है, तब चाइना ये चीजें नहीं देखता है। ठीक है, तो वही बात हो गई कि हमारी कंट्री को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब चाइना के अगेंस्ट किसी भी तरीके की पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, बट इंडिया के अगेंस्ट अगर हमारी पॉलिसी की वजह से कुछ जा रहा है तो वो उतना मैटर नहीं करता है। तो ये एसिमेट्री हो गई क्योंकि ये रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अदर देन दैट द कैलकुलेटेड डिस्प्ले ऑफ बोनोमी एंड कॉर्डियलिटी विच अकंपनी सच समिट्स डू इनहिबिट इंडिया फ्रॉम सीकिंग स्ट्रॉन्गर काउंटरवेलिंग अरेंजमेंट। जब हम ऐसी समिट्स करते हैं, जब हम मीटिंग्स करते हैं, तो इसका मतलब हम फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर नेशन स्टेट के साथ। ठीक है, बट अब अगर आपको फ्रेंडशिप बढ़ानी है तो ऐसे केस में कोई भी काउंटरवेलिंग आप एक्शंस नहीं ले सकते या फिर काउंटरवेलिंग अग्रीमेंट्स भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इंडिया भले ही फॉलो करता है बट चाइना इस तरीके के कंस्ट्रेंट्स फॉलो नहीं करता है। ये हमने देखा था अभी कि मामलापुरम की विजिट जब थी उसी दिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को भी वो उसके एक दिन पहले रादर मिल के आए थे, राइट, उनके साथ भी मीटिंग हुआ था, और फिर मामल्लापुरम की मीटिंग होने के जस्ट बाद नेपाल के साथ भी मीटिंग हुई थी, और ये दोनों भी कंट्रीज के साथ फिलहाल हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडिया फॉलो करता है बट चाइना डज नॉट रेसिप्रोकेट, तो ये एक बहुत असिमेट्री है हम दोनों के रिलेशन के बीच में। ठीक है, तो अगर इस असिमेट्री के लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए तो ऑथर का यही कहना है कि हमें ये दिखाना चाहिए फिर से कि किस तरह इंडिया एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लाइन पे लाना चाहिए, और जो पावर गैप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो हम कम करते जा रहे हैं। अगर चाइना एक कंपेरेबल इकोनॉमी की तरह हमें देखेगा तो ये सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल होगी। ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम 2003 2007 एक्सपीरियंस। डिस्पाइट द गैप्स इन देयर वॉल्यूम्स ऑफ जीडीपी, इंडिया वॉज ग्रोइंग फास्टर देन चाइना एंड एक्सपेक्टेड टू कैच अप विद इट और इवन सरपास इट। तो फिर जब ऐसे होता है, जब इकोनॉमीज कंपेरेबल होती है, ठीक है, अब कैसे हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है और चाइना की 14 ट्रिलियन है, तो वहां पे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। 2003-07 में कंपैरिजन था, तब जाके ज्यादा क्या बोलते हैं ना भाव मिलना वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है कि हम सबको दिखा दे कि किस तरीके से हम एक इमर्जिंग सुपर पावर है। ठीक है, देन इंडिया नीड्स टू एंगेज इन केयरफुल एंड नुआंस्ड बैलेंसिंग सीकिंग क्लोजर पार्टनरशिप विद अदर मेजर पावर्स। अब कैसे बात है कि सिर्फ बायलैटरलिज्म में हमें ये नहीं रहना है, कन्फाइंड नहीं रहना है। ठीक है, हमें चाहिए मल्टीलैटरल वर्ल्ड, हमें हम एक तो यूनिलैटरल वर्ल्ड को भी हम सपोर्ट नहीं करते, कोई एक सुपर पावर है और कोई उसका एलाइज बनते जा रहा है वो भी नहीं चाह रहा है। तो अभी जो हमने स्टेप्स लिए कि जैसे कि क्वाड का अपग्रेडेशन किया, अब क्वाड ये एक
फोरम है फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनको हमने अपग्रेड किया है, तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है। देन अभी ऑथर का कहना है कि नेक्स्ट अच्छा स्टेप रहेगा कि मालाबार जो मीटिंग होती है जो कि एनुअल एक्सरसाइज है, रादर मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इंडिया जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होते हैं, उसमें हमें ऑस्ट्रेलिया को भी लाना चाहिए। तो धीरे धीरे वर्ल्ड के हर एक कॉन्टिनेंट में, अर्थ के हर एक कॉन्टिनेंट में जो भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके साथ हमें सारे रिलेशंस जो है वो अच्छे करने पड़ेंगे, सो दैट एक मल्टीलैटरलिज्म सेटअप हो जाए, और फिर कि सिर्फ चाइना के किसी भी एक्शंस की वजह से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस मस्ट ऑल्सो ट्रांसलेट इन टू मोर रेगुलर एंड हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट, रिन्यूड एंड विगरस पुश फॉर एनहांस्ड फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड लेवरेजिंग द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मार्केट ऑल्सो टू बिकम द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हमें व्हील्स अपने हाथ में अभी ले लेने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ऑथर ने यहाँ पे एसिमेट्री बताई रिलेशन के बीच में। यहाँ पे हम आते सेकेंड आर्टिकल देखते हैं, अ टाइम टेस्टेड वे टू ट्रेड अवे कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की बात की गई है यहाँ पे। ऑथर्स का यहाँ पे कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ही जिस तरीके से डिस्प्यूट्स रहे हैं वो होते हुए भी जब भी ट्रेड हमने मेंटेन किया है तो उसके वजह से बॉर्डर बॉर्डर स्टेट्स में या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उनको काफ़ी सारी एक तो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं उनके लिए, प्लस उसके वजह से इंडिया पाकिस्तान की रिलेशंस के सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेड इज अ वे टू गो। तो 11 ईयर्स अगो 2018 में हुआ था सबसे पहले जो LOC के अक्रॉस ट्रेडिंग के लिए कॉमन अमन सेतु बनाया गया था, दैट इज ब्रिज ऑफ पीस, ठीक है। और उसका टैग क्या था, फ्रॉम होम टू होम वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आर कश्मीरी ब्रदरन। तो ये एक बहुत अच्छी स्टेप थी अक्रॉस LOC ट्रेड करने की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो लिए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि कारवां ई अमन जो है वो 2005 में सबसे पहले फ्लैग की गई थी, ठीक है। तो ये भी एक क्रॉस बॉर्डर बस सिस्टम थी और ये शेरी कश्मीर स्टेडियम टू श्रीनगर मुजफ्फराबाद यहाँ पे ज्वाइन करती थी, ठीक है। तो दिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर केम एज ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म रीयूनाइटिंग डिवाइडेड फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, इससे क्या होता है सेंटिमेंट्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस LOC ट्रेड फॉलोइंग बाटर सिस्टम दस बिगेन इन अक्टूबर दैट ईयर, सेम ईयर में अक्रॉस उरी मुजफ्फराबाद एंड पूंछ रावलकोट फॉर अ लिस्ट ऑफ 21 म्यूचुअली अग्रीड ट्रेडेबल आइटम्स, ठीक है। एंड द होल कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज अक्रॉस द बॉर्डर वॉज नॉट कॉइंड एज आइसोलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह इसको नहीं देखना चाहिए, रादर इट इज फॉर स्ट्रॉन्गर बायोलैटरल रिलेशंस एंड रिकनेक्टिंग दी कम्युनिटीज, ये भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो काफ़ी रूपी के मामले में इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक तो 2019 में जब क्रॉस LOC ट्रेड हमने सस्पेंड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अब हम जानते हैं पुलवामा वगैरह भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो बिटवीन 2008 एंड 18 तक ये ट्रेड चला एकदम कंटिन्यूसली, 7,500 करोड़ तक का ये ट्रांजैक्शन हुआ है अक्रॉस LOC, मोर देन 1.7 लाख जॉब डेज क्रिएट हुए थे एंड अप्रॉक्सीमेट फ्रेट रेवेन्यू ऑफ 66.4 करोड़ फॉर ट्रांसपोर्ट इन जम्मू कश्मीर ऑन अकाउंट ऑफ 75,114 ट्रक क्रॉसिंग एंड 90.2 करोड़ पेड टू लेबरर्स। अब अगर इंडियन इकोनॉमी के साइज के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम लगता है, ठीक है, बट उसको आपको सिर्फ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ठीक है, सेंटिमेंट्स देखने हैं। अब हम इन चीज़ों को रिवाइव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्रॉस LOC ट्रेड जो है वो डाउन हो चुका है, नम हो चुका है, एक तो 2019 में अभी हमने इसको कम्प्लीटली सस्पेंड किया गया कर दिया था पुलवामा अटैक के बाद, तो इन चीज़ों का हम रिवाइव कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इस ट्रेड में उसको एड्रेस करना चाहिए, तो फिर उसका इन्वॉइसिंग जो होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडर रजिस्ट्रेशन होता है, उनको हमें सही से क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेप्स सच एज क्लैरिफिकेशन ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स टू अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कमोडिटीज, क्योंकि म्यूचुअली अग्रीड कमोडिटीज हैं अगर तो उनका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन होने चाहिए ताकि थर्ड कंट्री गुड्स ने, अब ऐसा ना हो कि चाइना के थ्रू आ रहे हैं वो गुड्स पाकिस्तान से और फिर इंडिया में दोबारा, ठीक है।
देन जीएसटी रेट्स एंड इंटर स्टेट टैक्सेशन रूल्स. अब जीएसटी जो इंडिया में लागू पड़ता है उन सारे नॉर्म्स को हमें क्लियर करना चाहिए. तो अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी हम लाते हैं तो एलओसी ट्रेड को हम रिवाइव कर सकते हैं. ठीक है. एंड टुडे मोर देन एवर देर इज इंक्रीजिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग. ठीक है. और अगर इस पे हमारा फोकस है तो ये हमें अक्रॉस एलओसी भी करना चाहिए. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिठाने चाहिए टू मॉनिटर इनवॉइसिंग, ट्रेडर्स रिकॉर्ड, बैलेंसिंग एंड ट्रक डिटेल्स. तो एक तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी. देन इट विल इंश्योर रियल टाइम चेक्स बाय अथॉरिटीज, लिविंग लेस रूम फॉर मिसयूज. जो एक्चुअली हमारा हमेशा से कंसर्न रहा है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को मिसयूज किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से. अगर आप चीज़ों को इतना क्लियर और डिजिटल रखोगे तो मिसयूज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो एज टॉक्स बिगिन फॉर रिवाइवल ऑफ नॉर्मलसी इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इनऑपरेटिंग द आर्टिकल 370, strengthened and more transparent cross-LOC trade mechanisms could be put on table as part of the economic package. ठीक है. तो एक तो क्रॉस बॉर्डर में वहाँ पे जो POK के जितने लोग हैं और कश्मीर के जो भी लोग हैं इंडियन साइड में, ठीक है, उनको एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, प्लस वहाँ पे एक कल्चरल सेंटिमेंट जो है वो है. और हम जानते हैं अभी कि राधर देन ओनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कल्चरल और एथनिक कॉमनैलिटीज को इन्वोक करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है वो ठीक हो सके. ठीक है. तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. अभी एडिटोरियल्स तो इतने ही थे, बाकी सारे बहुत ही पॉलिटिकली ओरिएंटेड है. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स. थैंक यू.